यार बात कर जान दे यार दुकान पे करे हम बकचोदिया करे करो सही है। अभी दो मिनट पुलिस बुला के हटवा दूंगा, पूरी वीडियो बन रखी है जितने भी कोतक करे इसने। देखो ये सारा सामान ले लिया भाई। ठीक है ठीक है, चलो भी शाहरुख भाई चल रहे हैं तो आप चलेंगे करोल बाग। ठीक है भाई, ये खड़ी अपनी गाड़ी, हालात देखो कितनी गंदी हो रही है। तो निकलते हैं भाई यहाँ से। तो आ गए भाई अपनी बाइक पर और निकल गए हैं करोल बाग के लिए। अब करोल बाग जाकर भाई थोड़ा सा सामान लेना है बाइक की एसेसरीज, क्योंकि जिस टाइम अजमेर गए थे उस टाइम ले नहीं पाए थे, और वो सामान लेना है भाई सारा V3 के लिए, क्योंकि V3 को करना है मॉडिफाई। उसके लिए एक अंडरवेली लेनी है और काउल व्यू मिरर लेने हैं और जो भी एसेसरीज जाके भाई पता चलेगा अभी वहाँ पर, तो सारी की सारी एसेसरीज खरीदनी है। तो पहुँचते हैं भाई सीधा करोल बाग और मिलते हैं आपसे सीधा करोल बाग पहुँच कर भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आठ सौ Z800। तो भाई क्या साउंड दी भाई की Z800 की, बहुत ही अद्भुत थी यार, ऐसी प्रोजेक्ट लगा रखा था भाई ने। तो भाई आ गए हैं करोल बाग, अब यहाँ पर ढूंढना है भाई एसेसरीज की शॉप। यहाँ तो आसपास नहीं दिखाई दे रही भाई किसी भी एसेसरीज की दुकान, और मिलते हैं भाई सीधा किसी शॉप पर पहुँच कर जहाँ पर V3 की एसेसरीज हो। तो बताया मिल जाएगा, देखते हैं अंदर चल के मिलता है या नहीं। वो भाई तो काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज रखी हुई है अंदर यामा की। विद पेंट वाली नहीं आएंगे? विदाउट पेंट पड़ेगा कितने का? V3 का 2250। देखो ये सारा सामान ले लिया भाई V3 के लिए, कट्टा भर के सामान आ चुका है। ये सामान लिया है अपनी गाड़ी के लिए, मतलब मौसम भाई की गाड़ी के लिए। अब जल्दी से निकलते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं भाई मुरादाबाद के लिए। अब यहाँ से सीधा पहुँचेंगे घर। बंदा मैंने नोजल बाहर फेंकी है भाई, ना लगाई है तो ये बता जब नोजल उठाई न्यूट्रल क्यों ना हुआ, है जीरो हुआ ना भाई? ये नहीं हुआ, इसने फिर दोबारा हाथ रखा उधर। हाँ दाल जल्दी 500 रुपये का, ये बकचोदिया मत करना सही, ठीक है ऐसे? हाँ ठीक है, ये बकचोदिया कर रहा है, ये जो चूना लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना तेज चल रहा है दादा, ना तेज चल रहा है, तो तेज चल रहा है तो बताऊं दो मिनट में, ना बताऊं अभी दो मिनट में बताऊं मैं गाड़ी दी है और जो कर क्यों रहे हो ये बताओ। हराम का ना हराम का पैसा है, हराम का पैसा है, हराम का पैसा है ना, हराम का पैसा है ना, हराम का पैसा तू बता, है नाटक करेगा तू? हम बकचोदिया करे करो सही है। अभी दो मिनट पुलिस बुला के हटवा दूंगा, पूरी वीडियो बन रखी है जितने भी कोतक करे इसने। बकचोदी बना रहा है, अबे भाई मैंने गाली दी, मतलब भेड़चो कोतक कर रहे हो तुम, बात नहीं, एक तो नाटक कर रहे हो उसके बाद फिर बकचोदियां अपने साथ। और तुम्हें भी बता रहा हूँ बंदा देख के करा करो सही है, पहले देख लिया करो कौन है। हाँ दो मिनट में ही बैड। तो भाई मेरे साथ कर रहा था ये बकचोदी,
इसने पता है क्या किया, पहले ना 180 रुपए का पेट्रोल इसमें पहले ही डाल रखा था और मेरे में नोजल घुसा के चालू करने ही वाला था, क्योंकि उसका जो मीटर है ना जीरो नहीं हुआ। चोर होते हैं भाई बहुत बड़े वाले, तो ये देख कर पहले देख लिया करो कि जीरो हुआ है या नहीं हुआ है। इनका यही होता है भाई, चूना लगा देते हैं हर किसी को। मैंने देख लिया, वरना मैं भी नीचे को देखने वाला था। मैंने देखा भाई 180 रुपए उसमें फिट हैं, उसने तुरंत नोजल लगा के ना चालू करने वाला था, तभी मैंने उसको पकड़ लिया। बोला कर क्या रहा है भाई तू, ये बहुत बड़ा भाई स्कैम चल रहा है पेट्रोल पंप पर। तो भाई बहुत ध्यान दिया करो इस चीज़ का, अगर पेट्रोल डलाते टाइम देख लिया करो पहले मीटर जीरो हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े वाले चोर हैं भाई पेट्रोल पंप वाले। अरे ये नहीं देखते कि बंदा कहीं जा रहा है, फंस जाएगा कहीं नहीं जाएगा, उनको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पेट्रोल चुराने से मतलब है। तो भाई पूरा ध्यान दिया करो, मैंने तो भाई अच्छे से सबक सिखाया। आज का वीडियो अपना यहीं तक, पेट्रोल पंप पे ऐड हो गया।